हेलो दोस्तों, तो हम लोग जा रहे हैं वियतनाम। हम जयपुर से चले और जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, तो रास्ते में हम चाय के लिए रुके हैं। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाना शुरू कर लेती हूँ। वैसे तो मैं वहीं जाके डालूँगी सारी जितनी भी प्लेस हैं, पर एक भैया बोले वीडियो नहीं बना रहे हो क्या, तो सोचा चलो आप लोगों को वीडियो भी दिखा देते हैं, वीडियो बना लेते हैं। अभी हम चाय के लिए रुके हैं, तो बस चाय के लिए सारे लोग हैं, सबको दिखा देती हूँ। बस अभी मैंने अपना ही दिखाया, पर ये सब चाय कचौरी चल रही है। कचौरी हम लेके आए हैं और चाय हमने यहाँ बनवाई है। फोटो खींचू भैया, एक सेकंड भैया। इतना सारा कचौरी, चाय और ये लड्डू। वाह दिव्या भाभी, मंजू, तोमर सब दमादम खाने में लगे हैं। अभी देखती हूँ, अटैची खोलनी तो पड़ेगी। और बस अब मैं भी खा लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जिस जगह जा रहे हैं वीडियो वहाँ की दिखाऊँगी ना आप लोगों को। अभी से थोड़ी वीडियो भर दूँगी, कैमरा भर दूँगी, आप भी बोर हो जाओगे देख देख के। हम लोग वियतनाम एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं, और हमारी फ़्लाइट थी रात को 12:05 पे थी, तो 5:30 का टाइम दिया था। और अभी हो रहा 4 घंटे में, सही 4 घंटे में पहुँच गए थे, लेकिन हाँ पहुँचते पहुँचते आधा घंटा और लग गया। और अभी ये लोग डॉलर से बदल रहे हैं, करेंसी बदल रहे हैं यहाँ की। सारे लोग एयरपोर्ट पे ही बदल रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी बदल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बदल रहे। और इधर सारे लोग वेट कर रहे हैं, जो हमने पैकेज लिया था उनकी तरफ से गाइड आ चुके हैं हमारे, तो वहाँ खड़े हुए हैं सारे लोग। और करेंसी बदलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट पर ही मिल जाती है। हम नीचे उतरे और एयरपोर्ट पर ही बदल रहे हैं सारे लोग, तो ये ज़्यादा सोचने का नहीं है कि करेंसी क्या लेके जाए। हम लोग डॉलर लेके आए थे, और ये भाभी जी खड़ी हैं, इनको थकान होने लगी है। वीडियो शुरू हो गई मेरी। यहाँ हनोई सिटी में हम 3 दिन रुकेंगे, और मैं 3 दिन का आपको दिखाऊंगी। आज से था है ना, सब थके हुए हैं भैया। ये यहाँ की करेंसी को क्या बोलते हैं? वियतनामी डोंग। डोंग थकान हो रही है। सबकी बैटरी डाउन हो रही है। और ये हमारे वो है लोकल गाइड दोनों। ये क्या है मतलब इनका, ये क्या? हम इसको देख के चलेंगे ना। अच्छा, ओके ओके ओके, समझ गई। 1.5 घंटा आ गया, 2 घंटे, 1.5 घंटे आगे है ना, 1.5 घंटा आगे है, इसलिए हमारे टिकट में लिखा था 5:30 बजे का टाइम, और आ गए थे हम 4 बजे। इधर देखो, हाँ ये तोमर साहब को ट्रॉली थमा दी है मैंने, मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। और जब ये डॉलर बदलते हैं ना, तो 4-6 पे जाके पता कर लें तब बदलें। ऐसा नहीं कि पहले जाते से ही बदल लो, फिर कोई कम देगा कोई ज्यादा देगा, क्योंकि हमारे साथ यही हुआ है अभी। तो बहुत सोच समझ के पहले सबसे रेट लें और उसके बाद बदलें, तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सबके अलग अलग रेट हैं। सही जानकारी है ना? बहुत सही। अभी चाय पिए तो पैसे है ना भैया, रेट पूछ के ही लेना चाहिए ना, सबसे रेट पूछे तब ले, है ना। कोई 24-500 बोल रहा है, कोई 24-600, 24-700 मिला है। इसलिए पहले रेट की जानकारी लीजिए, उसके बाद चेंज करें करेंसी। तो बस हम बाहर निकल आए हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है यहाँ। और बाहर का थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको, और ये बस के लिए जा रहे हैं, जहाँ हमारी बस खड़ी है हमको लेने के लिए। और एक बात है, जूते लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ चलना बहुत पड़ता है, एयरपोर्ट पर भी बहुत चलना पड़ा, और यहाँ भी चलना पड़ेगा आपको।
तो ये हमारी बस है और ये पैकेज में ही हमने तो सब कर लिया था सारा सेट। और ये जो हमारे गाइड हैं जो हमारे आगे चल रहे हैं, जो इनकी जो लकड़ी है ना उसमें टैडी लगा है, उससे हम पहचानते जाएंगे, वो आगे आगे चलते रहेंगे हमारे। और यहाँ स्टेप से लगेज रखने की जगह होती है बसों में, आप देख सकते हो। बस में बैठ गए हैं, सब आने लगे हैं। बस काफी अच्छी लग रही है, एसी बहुत ठंडा कर रहा है, थोड़ा धीमे करना पड़ेगा। मैं बस भी दिखा देती हूँ अंदर से, जिसमें अभी हम एयरपोर्ट से सीधे वीडियो। ओके नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सिंचाओ वियतनाम, वेलकम टू हानोई कैपिटल। हानोई इज आवर कैपिटल, मैं तो आपको सुनवा रही हूँ, समझना आपका काम है। मैं नहीं समझ रही हूँ क्या बोल रहे हैं। $1.25,000 Okay, you remember $25,000 So every note, $1,000 So Vietnamese money very big. The biggest note is $500,000 The biggest one. The smallest $500 The smallest $500 We have so different note. $500, $200 Taj Mahal. So Vietnam, we have one major wonder. Seven wonder. Oh, seven. So Halong Bay also seven. तो लो जी पहुंच गए हम होटल, और थोड़ा सा होटल भी दिखा देती हूँ आपको। ब्रेकफास्ट करने आए हैं, ऊपर देख लो, ऊपर पर उसको दे देना फोटो के लिए, है ना, फोटो के लिए उसको बना देना, ठीक है। हमें भी, हमें भी, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। हाँ वीडियो बना ली, चल रही है वीडियो। ब्रिज पे जा रहे तो वियतनाम में हनोई जो जगह है, हनोई तो इसका हम लोकल मार्केट घूम रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है इधर। ये देखिए ये झील टाइप की है, सुंदर लग रही है। Hôm vừa rồi thấy bác phát biểu trên tờ sự đấy mà. Mày quá nhỉ anh ạ. ये लोकल मार्केट है और बड़ा कलरफुल है, बहुत सुंदर लग रहा है। आ गए आप, देखो ना ये टेंपल है। और जैसे हो गया मैच के तो अच्छा 50,000 और आओ लाओ आपको फोटो खींचो। लता कौन चला रही है, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। आनंद ले रहे हैं भैया जगह का। और शायद यहाँ मैं लेके जा रही हूँ अभी आपको, यहाँ फोटोग्राफी हो रही है, यहाँ की ड्रेस पहन के
और जो यहाँ की ड्रेस होती है, यहाँ का कल्चर होता है, तो सर सारे लोग ड्रेस पहन के और फिर फोटोग्राफी करा रहे हैं। वो थोड़ा सा मैं एक झलक आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना कलरफुल लग रहे हैं ये लोग, सारे फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पर, देखिए। वो ब्रिज दिखाई दे रहा है, वहाँ मंदिर के लिए जा रहे हैं अंदर, छोटा सा मंदिर है, हम लोग नहीं गए हैं अंदर, इसलिए मैं आपसे आपको बाहर का ही दिखा रही हूँ। और मेरा ग्रुप आ रहा है और तोमर साहब बोल रहे हैं मैडम मैडम जरा मेरी तरफ भी घुमा दो, तो देखो ये तोमर साहब हैं। ये ग्रुप है हमारा, हिरण का बच्चा। अरे डॉग है, डॉग है, डॉग है, डॉग है, डॉग है, डॉग। आप आगे आ जाओ ना, ये मेन गेट है, मैं पीछे से गई थी और यहाँ से आप देख सकते हो मंदिर का सीधा है। अरे नहीं सब लोग जाओ ना, फिर आप लोग हट जाना। ये यहाँ का लोकल फूड है, क्या है, कोई डिश है जिसमें कोलकाते बंद जैसा कुछ है। अच्छा उधर फूल, अच्छे उधर देखो ना, उधर अच्छा है। स्टेप से भी यहाँ मार्केट है, थोड़ा थोड़ा आपको एक झलक दिखा देती हूँ। वो आपको पता है ना, इस टाइप के मार्केट मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, कलरफुल मार्केट, ऐसा लगता है जैसे बुला रहे हो, आ जाओ लता आ जाओ कुछ ले लो। ये बुलन की चीजें हैं, देखिए ये बुलन के फूल बने हुए हैं। आज मैंने गॉगल नहीं लगाया ना, आंखें अजीब सी लग रही होंगी, कोई ना। और देखो कितनी सुंदर रिंग है, आपको पता है सभी लोग फोटोग्राफी करा रहे हैं और मैं वीडियो में लगी हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको दिखाना भी है ना, तो बस वीडियो बना रही हूँ और घूम भी रही हूँ। और मेरा गो बहुत दूर खड़ा है, बहुत दूर, देखो मैं बताती हूँ, ये रहा। तो मैं जाती हूँ ग्रुप के पास और ये इस टाइप से फूल खिले हुए हैं यहाँ, मतलब जो भी है बहुत कलरफुल शहर है, मतलब बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, मतलब जो हाथ से बनाई जाती है ना वो चीजें ज्यादा है। तो कागज की बनाते हैं वो लुगदी की है, है ना, कागज की लुगदी की। बहुत लाइट वेट होता है इसे, तो थैंक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, जो वो नहीं लाते हैं। तो हमारी बस आ गई है और हम बस पे जा रहे हैं और बस से देखते हैं कहाँ लेके जाता है वो। अभी ये तो लोकल मार्केट था, अच्छा था देखने में। इस साइड है भाभी जी, ये चप्पल है, बहुत सुंदर सुंदर है ना भाभी, एक तरह से बाथरूम स्लीपर है बच्चों के लिए, देखो कितनी सुंदर है ना, बड़े भी हैं बच्चों के लिए भी हैं, पर वो ही है कि शॉपिंग करके तो क्या क्या ले जाओ। बहुत ही कलरफुल जगह है, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है। और ये बताती हूँ, देखिए कितनी अच्छी चीजें हैं यहाँ। अरे बना रहे हैं, क्या है, प्ले से बना रहे हैं खिलौने, किससे बना रहे हैं, क्ले होते हैं ना, अच्छा, बच्चों खेलने के, वो आती है ये प्ले से जो बनाते हैं ना, वो क्ले बहुत ही सुंदर है, आप देखिए कितने सुंदर हैं ये।
ये इस टाइप से बना भी रहे हैं और बच्चे भी सीख रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत है। एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको, इस टाइप से हैं ये, और ये छोटे 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 बच्चे हैं ना, ये बना भी रहे हैं सारे बैठ के, और ये भी बना ही रहे हैं। देखिए इस टाइप से बना रहे हैं, इस टाइप का फूड यहाँ बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इस टाइप से शायद नॉन वेज है ये सब, और ये बच्चे इधर बना रहे हैं, बच्चे बनाती हुई दिखाती हूँ। और ये हमारे ग्रुप के लोग ना कपल फोटो खिंचा रहे हैं। भूटानी भैया हटो बगल से, बाहर इस टाइप से लोग खा रहे हैं, और यहाँ नॉनवेज ज्यादा है, सारे लोग नॉनवेज ही खा रहे हैं। और ये जो हनोई जगह है ना, हनोई, मैं क्या है ना हर बार नाम भूल जाती हूँ, तो बार बार नाम नहीं ले रही हूँ, फिर मैं किसी से पूछती हूँ कि कौन सी जगह है, तो जब कोई बताता है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हनोई जगह है जहाँ हम घूम रहे हैं लोकल मार्केट में। वैसे तो देखा जाए यहाँ हरियाली बहुत है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, और बारिश का मौसम है, अच्छा मौसम है इस समय, बहुत ही अच्छा चल रहा है इस समय मौसम। पर जैसे लग ऐसा रहा है जैसे हम इंडिया में ही घूम रहे हो, मतलब इंडिया जैसा ही है, पर हाँ यहाँ हरियाली अच्छी है। अभी हम जगह देखने जाएंगे, वो प्लेस बहुत अच्छी होंगी। फिर से बोलती हूँ कौन सी जगह है, हनोई। बस हमारी बस आ गई है और अब हम बस में बैठते हैं, बस वेट कर रही है हमारी। ये लोग आके बस में बैठ गए हैं और मैं भी बैठ जाती हूँ। और तोमर साहब आज चमक रहे हैं नीली शर्ट पहन के, डार्क कलर में वीडियो फोटो अच्छे आते हैं ना। आज हमने पूरी सिटी घूम ली है और अब हम आ गए हैं, ये है ट्रेन स्टेशन, यहाँ से ट्रेन निकलती है, और इसके अगल बगल में कॉफ़ी शॉप हैं। और ये वाली वीडियो मैं आपको इसके अगले पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही।